हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बरसात हो या ठंड के मौसम, पकोड़ा हम सभी को बहुत ही पसंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल और इजी रेसिपी जो इंडिया में बहुत ही फेमस है, और वो है मिक्स वेज पकोड़ा। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मिक्स्ड वेज का पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा मीडियम साइज का एक पत्ता गोभी का यूज़ किया है और इसको बारीक काट लिया है। अब उसमें एक चौथाई छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 25 मिनट हो गया है और आप लोग देख सकते हैं पत्ता गोभी से पानी निकला है। अब पत्ता गोभी को ऐसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ऐसा करने से पत्ता गोभी सॉफ्ट भी हो जाता है और पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो पत्ता गोभी रेडी हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब डालेंगे फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। उसके बाद डालेंगे एक कप गाजर। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप लोग चाहे तो चॉप करके भी दे सकते हैं। उसके बाद डालेंगे आधा कप बीन्स, एक कप बारीक कटा हुआ प्याज, 5 से 6 चॉप्ड हरी मिर्च। उसके बाद डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2.5 बड़े चम्मच बेसन, 1/2 में डालेंगे राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। ये आप लोग जरूर डालना, इससे पकौड़ा क्रिस्पी होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वेजिस में जो मॉइस्चर होता है उसी से ही ये बन जाएगा। और अगर मिलाते टाइम आप लोगों को पानी का ज़रूरत पड़े तो डालना, और अगर मिक्सचर ज़्यादा गीला हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डाल देना। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं डालूँगी नमक। नमक आप लोग स्वाद अनुसार डालना, मिक्स कर देंगे। नमक आप लोग तभी डालना जब आप पकौड़ा बनाने के लिए रेडी हो, क्योंकि नमक जो है वो सब्जियों के साथ मिलते ही जल्दी मॉइस्चर रिलीज करता है और इसी वजह से मिक्सचर जो है वो जल्दी पतला हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं पकौड़ा बनाने की प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तेल की गर्म होते ही हम एक एक करके पकौड़ा डाल देंगे। आप लोग चाहे तो पकौड़ा को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पकौड़ा को शैलो फ्राई किया है। गैस का फ्लेम आप लोग लोअर मीडियम रखें, अगर हाई रखेंगे तो पकौड़ा बाहर से फ्राई हो जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। पकौड़ा को 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट बाद दूसरी साइड में पलट देंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में इसको पलट देंगे ताकि पकौड़ा हर तरफ से अच्छे से पक जाए। तो इसी तरह से पकौड़ा को तब तक फ्राई करेंगे जब तक पकौड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको एक किचन टॉवल में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब इसी तरह से बाकी की पकौड़ा हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारा पकौड़ा रेडी हो चुका है, अब इसको हम सर्व कर देंगे। आप लोग इसको ऐसे ही स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो में। टिल देन, ईट गुड, फील गुड, बाय।